तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, और हो सकता है कुछ लोगों को आज के दिन की महत्वता के बारे में ना पता हो, तो मैं बताना चाहूँगी कि आज के दिन हमें हमारे संविधान, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आज ही के दिन 26 जनवरी को हमें हमारे मौलिक अधिकार मिले थे, क्योंकि जो हमारे पास नहीं थे, है ना, क्योंकि हमारा हमारा ये देश एक दिन गुलामी में था, तो हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं था कि हम ये कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते, क्योंकि जैसे शैतान, है ना, नेगेटिविटी का प्रभाव आज लोगों के जीवन में है, तो वैसे ही एक दिन हमारे देश पर भी किसी का अधिकार था ना। तो जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिली, तो आज के दिन मतलब 26 जनवरी को हमें हमारे संविधान मिले, हमारे कानून, हमारे देश के कानून बने, है ना। जैसे हम डॉक्टर अंबेडकर को कुछ लोग जानते होंगे जो पढ़े हैं, तो मतलब वो बहुत पढ़े लिखे थे, है ना, उन्होंने 15 डिग्रीज की थी, बहुत ही हाई उनकी क्वालिफिकेशन थी। तो वो एक छोटी जाति को बिलोंग करते थे, मतलब जैसे आज भी भेदभाव, है ना, लोग करते हैं, ये बड़ी जाति से है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो वो भी एक छोटी जाति को बिलोंग करते थे, और उन्होंने इस चीज़ को फेस किया था क्योंकि वह आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन जैसे हम उनके बारे में पढ़ते हैं, तो जैसे स्कूल टाइम में हमने पढ़ा कि उनको बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बिकॉज वो तो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन छोटी जाति के होने के कारण उनकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आईं, लेकिन उनके अंदर एक वो चीज़ थी कि मुझे आगे बढ़ जाए, और वो बढ़ते गए बढ़ते गए, और उनके द्वारा, है ना, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो अपने लोगों को ऐसे खड़ा करता है ना, तो उनके द्वारा ही ये संविधान, ये कानून बने, क्योंकि आज हमारे पास अधिकार है, हम कहीं भी ज़मीन ले सकते हैं, ये कानून में है, कहीं भी हम पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ तो बहुत महत्व है, जिसके बारे में शायद कुछ लोग नहीं जानते, कि हम किसी भी धर्म को मतलब मान सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन तो धर्म की मतलब धर्म के बारे में नहीं बताता, क्योंकि कोई धर्म परमेश्वर की ओर से नहीं बना है। लेकिन अगर हम फिजिकली, जैसे हम संसार में रहते हैं, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे पिछले दिनों में बहुत कुछ हुआ धर्म को लेके, लेकिन कुछ लोगों को इस बात की नॉलेज नहीं है, तो लोग उनको अपनी बातों से दबाते हैं कि क्यों तुम जीसस पर विश्वास करते हो, वो तो हमारे धर्म में नहीं है, वो तो ऐसे। लेकिन जो लोग कानून को समझते हैं, है ना, जो लोग थोड़ी नॉलेज रखते हैं, तो वो उन्हें बोल सकते हैं कि नहीं, हमारे पास अधिकार है, क्योंकि वो अधिकार आज के दिन बना था कि हम किसी भी किसी को भी विश्वास करते कर सकते हैं, किसी पर भी हम बिलीव कर सकते हैं ना। तो वो कानून हमारे पास आज के दिन ही बना था। ऐसा कानून में नहीं लिखा है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, कहीं भी जाके प्रचार कर सकते हैं, कहीं भी जाके परमेश्वर की नाम की खुशखबरी को बता सकते हैं। कानून के बाहर नहीं है, ये कानून में है, है ना। तो जब हमें अगर कोई ऐसे रोकता है, टोकता है, तो अगर हम कानून में रहकर किसी से बात करेंगे, तो कोई भी हमें दबा नहीं सकेगा, क्योंकि हमारे कानून में ये लिखा हुआ है ना। तो आज के दिन की ये महत्वता है कि आज के दिन हमें सभी अधिकार मिले थे, हम कभी कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं, मतभेद नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, मतलब सबको एक समान, सबको ये अधिकार मिल गए थे, है ना। तो इस बात के लिए हम परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। तो हमें भी अपने परमेश्वर का प्रचार खुलकर कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं कि सच में परमेश्वर महान है, वो इकलौता परमेश्वर है जो अपने लोगों के जीवन को बचाना चाहता है ना। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, और आइए हम सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के सामने अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस माय फादर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदा,
सच में मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप हमारे बीच हो, आपका होली स्पिरिट, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने देश के लिए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जहाँ तुम रहते हो उस जगह के लिए प्रार्थना करो। तो मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इन लोगों के साथ मिलकर खुदा सच में आप अपने ऐसे लोगों को खड़ा करो कि परमेश्वर वो अपने देश के लिए सब चीजों को अच्छे तरीके से कर पाए। जो भी करप्शन, गलत चीजें इस देश में हो रही है खुदा, सच में मेरे परमेश्वर ने मैं कमांड करती हूँ खुदा, तेरे लोग खड़े हो, तेरे लोग सच में बड़े मेरे परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करे इस देश में मेरे खुदा। ऐसे लोगों को तू खड़े कर चुका है पॉलिटिशियन लाइन में परमेश्वर, अपने ऐसे लोगों को चुनो मेरे परमेश्वर जो तेरे देश की, तेरे इन लोगों की भलाइयां करे मेरे पिता। सच में मेरे खुदा आप ऐसा कर चुके हो मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को खुदा आप अच्छे मन दे चुके हो मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इन सब बातों के लिए, सच में खुदा आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमेन।